दोस्तों अगर आप भी RLWL के अंदर अपना वेटिंग में टिकट बुक कर लिए या फिर दोस्तों अगर आप भी अपना RLWL के अंदर वेटिंग टिकट बुक करिएगा तब दोस्तों 2023 के अंदर RLWL वेटिंग टिकट कंफर्म होने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अब RLWL की वेटिंग टिकट सबसे ज्यादा कंफर्म होगी। जैसे कि GNWL की वेटिंग टिकट कंफर्म होती थी, अब उसी तरीके से RLWL के अंदर वेटिंग टिकट कंफर्म होगी। और दोस्तों अब क्या क्या अपडेट है RLWL वेटिंग के अंदर, बहुत सारा अपडेट आया है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको RLWL वेटिंग टिकट से अपडेट बताने वाला हूँ। और दोस्तों अब यह RLWL का वेटिंग टिकट कैसे कब कंफर्म होता है दोस्तों, मैं कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में विद प्रूफ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों मैं आपको प्रूफ तो बीच में दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि देखिए कई लोग अगर ट्रेन सेलेक्ट करके अपना टिकट बुक करते हैं तब दोस्तों उनका दो तीन तरीके का वेटिंग टिकट नॉर्मली देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों GNWL, दूसरा RLWL, तीसरा दोस्तों PQWL, कुछ इस तरीके का वेटिंग टिकट देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये तीनों वेटिंग में अलग अलग कन्फर्मेशन चांसेस होते थे पहले, लेकिन दोस्तों अब जो नियम किया गया है कि अगर आपका टिकट RLWL के अंदर में बुक कर लीजिएगा ना, या फिर अगर आप RLWL के अंदर वेटिंग टिकट बुक कर लिए हैं तब दोस्तों देखिए ये सबसे पहले क्या होता था कि RLWL के अंदर जो भी आप वेटिंग में टिकट बुक करिएगा, मान के चलिए आपका RLWL 10 था, फिर आ गया आपका RLWL 9, फिर आ गया RLWL आपका 1 आ गया, फिर ये RLWL 1 से क्या होता था डायरेक्ट कंफर्म किया जाता था। इससे पहले RLWL 1 की वेटिंग टिकट डायरेक्ट कंफर्म कर दी जाती थी, लेकिन दोस्तों 2023 के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, अगर आपका RLWL 1 की वेटिंग टिकट है तब दोस्तों ये आपकी डायरेक्ट कंफर्म नहीं की जाएगी, बल्कि दोस्तों RLWL 1 की वेटिंग टिकट अब इसको RAC में भेजी जाएगी। अब दोस्तों RAC से कंफर्म हो जाएगा, मतलब दोस्तों अगर आपका RLWL के अंदर वेटिंग टिकट है तब दोस्तों अब यह सबसे पहले RLWL 1 आने के बाद RAC पे मूव करेगा, RAC की ओर चलेगा। अब दोस्तों RAC के बाद यह टिकट कंफर्म होगा, जैसे कि GNWL के अंदर होता था, GNWL में ऐसे ही होता था। अगर आपका GNWL 1 की वेटिंग है तो यह पहले RAC में जाएगी, उसके बाद RAC से कंफर्म हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं RLWL कंफर्मेशन चांसेस के ऊपर में। दोस्तों देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर RLWL की वेटिंग टिकट अब RAC में जाएगी तब दोस्तों RLWL की वेटिंग टिकट अब कंफर्म होने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाएगी और सबसे ज्यादा नंबर तक कंफर्म होगी। अब दोस्तों वो कैसे, चूंकि हर RLWL का वेटिंग टिकट वो RAC में जाएगा और RAC से कंफर्म हो जाएगा। सो दोस्तों ज्यादा नंबर तक RLWL वेटिंग टिकट है GNWL की तरह कंफर्म हो सकती है। अब दोस्तों मैं यहां पर प्रूफ दिखा देता हूं। एक भाई साहब हैं, वो PNR नंबर दिए हैं, उनका टिकट RLWL के अंदर वेटिंग में काटा गया था, लेकिन जब मैंने उनका PNR स्टेटस चेक किया तब दोस्तों वहां पर बताया गया कि RLWL 1 जो वेटिंग था ना वो अब डायरेक्ट RAC के अंदर मूव कर चुका है। जैसे कि दोस्तों देखिए यहां पर मैंने PNR स्टेटस चेक किया हुआ है, यहां पर मैं कॉपी कर देता हूं, इसके बाद सर्च PNR स्टेटस पे मैं क्लिक करता हूं। इसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर बुकिंग स्टेटस क्या था, RLWL के अंदर बुकिंग स्टेटस था, लेकिन दोस्तों अब ये सब देखिए 6 का 6 टिकट क्या हो गया है RAC के अंदर मूव हो गया है। अभी इनका टिकट 11 अप्रैल को है और यह भाई साहब बहुत डर रहे हैं कि क्या मेरा ये RAC टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। तो भाई साहब जो भी हैं आप वीडियो को देख रहे हैं, बिंदास रहिए, RLWL वाला वेटिंग टिकट जो आपको RAC में आया है ना ये 11 अप्रैल तक कंफर्म श्योर हो जाएगा, 100% कंफर्म हो जाएगा। सो दोस्तों फाइनली अगर आप भी RLWL के अंदर वेटिंग टिकट बुक कर लिए हैं तब दोस्तों वह टिकट आपका अब RAC भी हो सकता है या फिर कंफर्म भी हो सकता है, मतलब अब उसका साइकिल कैसे चलेगा, RLWL से RAC और RAC से कंफर्म, तब दोस्तों यही अब RLWL की साइकिल चलने वाली है। चलिए कम से कम अब RLWL वेटिंग कंफर्म नहीं होगी तो कम से कम RAC आएगा तो ट्रैवल तो करने दे दिया जाएगा उनको, कम से कम RLWL वेटिंग है तो RAC मिलेगा तो कम से कम हाफ सीट तो मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं ना होगा कि अगर किन्हीं को मजबूरी हो और अगर मान के चलिए वो जाना ही चाहते हो और अगर मान के चलिए RLWL वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ तब तो पहले नहीं जा सकेंगे, लेकिन भैया अगर आपका टिकट RLWL से RAC में आ जाएगा तब तो कम से कम जाने तो मिल जाएगा आपको, कम से कम हाफ सीट पे ट्रैवल तो कर सकते हैं। सो दोस्तों फाइनली ये आपको अपडेट कैसा लगा कि RLWL अब वेटिंग जो है RAC में जाएगी और RAC से डायरेक्ट कंफर्म हो जाएगी। सो दोस्तों अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये अपडेट थोड़ा सा बुरा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आप नीचे कमेंट के जरिए बताएं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, RLWL डायरेक्ट कंफर्म होता था तो डायरेक्ट कंफर्म कर देना चाहिए था, चूंकि मेरे को RAC में जाना पसंद नहीं है। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।